हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए डिज़ाइनर कुर्ती लेकर आई हूँ। ये कुर्ती सिलने में बेहद आसान है, आप इजीली तरीके से इस कुर्ती को सिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बुनाई और क्रोशे की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक इंस्टाग्राम या FB पेज पर शेयर कर सकते हैं। दोनों ही IDs का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे नेट से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह मार्क किया है, आप देख सकते हैं। 6 इंच पर शोल्डर से आर्म होल पर मार्क किया है, आर्म होल राउंड पर। और दूसरी साइड फ्रेंड्स हमने वेस्ट तक मार्क करेंगे, कमर तक 14 इंचेस। उसके बाद फ्रेंड्स दोनों ही मार्क को आपस में मिला देंगे इस तरह से। दामन के मार्क्स कुछ इस तरह लगाएंगे, वन साइड हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड 16 इंच पर मार्क करेंगे, 16 इंचेस। देखिए 16 इंच है। और उसके बाद दोनों ही मार्क को आपस में मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम नेट की कटिंग करेंगे बेहद आसान तरीके से। हमने अपने दामन पर नेट रख ली है और जिस तरह निशान लगाए हैं, मार्क्स लगाए हैं, उसी तरह कटिंग कर लेंगे उसी शेप में। दामन की नेट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए अब जो हमारी नेट बची हुई है इसी शेप में, उसी को हम पेठी की साइड रखेंगे और कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह दामन की शेप की कटिंग हुई है उसी तरह हम कोटी के शेप की कटिंग करेंगे। कुर्ती के शेप में इसको कटिंग कर लेंगे, आर्म होल का जिस तरह राउंड लगा है। नेट हमारी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं दामन की और कोटी की। अब फ्रेंड्स हम पट्टियों की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इसको इंची टेप से नाप लें। जैसे ये हमारा 18 इंच है तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करें, लंबाई में 19 इंच की पट्टी कटिंग करें और उसके बाद स्पेस देकर, थोड़ा स्पेस देने के बाद मेजरमेंट चेक करेंगे। ये 21 इंच की पट्टी है। फ्रेंड्स, हमारी 4 पट्टियाँ कटिंग होंगी, 2 दामन पर लगेंगी और 2 पेठी पर। हमने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, देखिए 4 पट्टियाँ कटिंग की हैं। पट्टी की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स वो 2 इंच है। अब हम फ्रेंड्स प्रेस से इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों ही साइड्स को। देखिए हमने प्रेस से फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं दोनों ही साइड्स फोल्ड की हैं हमने। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो 1 इंच है, 1 इंच। चारों ही पट्टियां फ्रेंड्स हमने तैयार कर ली हैं। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। फ्रेंड्स, कुर्ती पर नेट रखकर हमने सिलाई लगा ली है, आप पिनअप भी कर सकते हैं, इससे ये स्लिप नहीं होगा बॉर्डर पट्टी लगाते हुए। और फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग जाएगी। दामन को भी हमने स्ट्रेच कर लिया है। चलिए अब हम पट्टियां लगाएंगे। देखिए नेट के ऊपर हम पट्टी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। किनारी पर सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स, ज्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे।
फ्रेंड्स एक सिलाई हमारी लग गई है, अब दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे, किनारी पर लगाएंगे। किनारी पर सिलाई लगाने से फ्रेंड्स फिनिशिंग आती है। फ्रेंड्स एक पट्टी हमने लगा ली है, अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। इसी तरह दामन की साइड भी पट्टी लगा लेंगे। देखिए हमने दामन की साइड भी पट्टी लगा ली है, जिस तरह पेठी की साइड लगाई थी। अब हम मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसकी जो दूरी है वो 1 इंच है, 1 इंच हमने निशान लगा लिया है। आप भी 1 इंच की दूरी पर निशान लगा लें। दोनों ही साइड मार्क कर लेंगे, दामन की साइड भी और इसके ऊपर पट्टी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी कुर्ती सिल लेंगे। फ्रेंड्स हमने अपनी स्लीव्स नेट की लगाई हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कुर्ती पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।